और चलिए अब आपको तारानगर लिए चलते हैं, क्या कुछ गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसलिए भाई लोगों बात ने समझो, आबा दो आने ईडी पीडी चीडी सीडी साल बाजो कोई फर्क को नहीं पड़ा। भाई जी बोलियो जहर खासी बोई तो मरसी, आंगली उचा खाई को नहीं गाई बिगड़े है, तो कोई गड़बड़ करे ना। एक बात बताओ, ए पेपर लीक पहली बार हुआ है के है, ए घोटाला पहली बार हुआ है के, वो भ्रष्टाचार पहली बार हुए है के। मैं थाने थोड़ो सो पीछे ले जानू चाहू, पिछले 5 साल में शुरू में राजेंद्र जी राठौड़ साहब स्वास्थ्य मंत्री आ बनिया ने, एक बार थारे थे तो पीएचसी हॉस्पिटल थोड़ी खोल दिया को नहीं खोलिया। मैं भी पर ले जानू चाहू, एक एनएचएम घोटालो हो, अकाउंट्स ऑफिसर और अधिकारी पकड़िया गया, तो मैं पूछना चाहू मेन्स पर हूं राठौड़ साहब, अति भी नैतिकता होगी होती तो जगह दिन इस्तीफो दे देता, या भाई ईडी जगह दिन क्यों को नहीं आई था के खिलाफ। आ गोविंद डोटासरा किसान के बेटे के चुनाव के नामांकन से 5 दिन पहले की आई भाई, आचार संहिता लगती टाइम के आई भाई, समझो ने ते बात ने। ए काल परसों बैठे गया कंस रावण अत्याचारी अशोक गहलोत की सरकार के लिए गोविंद डोटासरा के लिए, कंस ने तो मैं देखियो को नहीं है, रावण ने मैं देखियो को नहीं। मैं तो कंस रावण से क्यों मोदी जी को देखियो, जो 15 महीना ताणी एक किसान है ने जगह खून का आंसू रुलावा, वो अत्याचार में देखियो किसाना के खिलाफ, वो अत्याचार देखियो कौन देखियो थे। कटीला तार कोई जा नहीं सके, अरे पाकिस्तान के तो कोनी लगाओ कटीला तार, आ किसाना के कटीला तार दिल्ली जाबा के लिए शर्म को नहीं आई आने। किसान की बेटी जंतर मंतर पर 50 दिन तक बैठी कि मेरे सागे बलात्कार हुगो, राठौड़ साहब मोदी जी बीजेपी का नेता एक भी बोलिया के, ब्रजभूषण सिंह एमपी हटायो के, 50 दिन तक एक किसान की बेटी रो रो रहा कह रही है मेरे साथ बलात्कार किया, मेरे साथ गड़बड़ की। क्या हुआ, किसान आंदोलन हुआ उत्तर प्रदेश में, देश का गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को गाड़ी से कुचल रहा है, टिन्नू पिन्नू चिन्नू क्या नाम पता नहीं है, किसानों को कुचल दिया मार दिया। वो अत्याचार वो अन्याय वो रावण राज हमने देखा है।